तो भैया जो आप ये माइक देख रहे हैं बोया M1 माइक है, और जब हमने अपने इस बोया M1 माइक को परचेस किया था उसके बाद जब इसका जो है रिव्यू करने बैठे तो सबसे पहले जो है हमें वॉइस रिकॉर्डर जो होता है हर एक मोबाइल में होता है वो यही चालू करके जो है इस पिन को इंटर करके मोबाइल में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है रिकॉर्ड भी हो रहा था। और तब हमने सोचा कि ये जो माइक है अच्छा है, चल रहा है, इसका मतलब जो है बेस्ट है। तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमें एक वीडियो बनाने में जो है इच्छा जागी, और फिर जब वीडियो बनाने बैठे देखे कि यार वीडियो में सपोर्ट कर रहा है, देखा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो बड़ा टेंशन हुआ कि यार भैया अब क्या करें, हमारा जो है इतना पैसा ख़राब चला गया, इससे तो अच्छा यार एक लीड ही लेकर काम चला सकते थे। तो जब वीडियो में लगाते थे, वीडियो के लिए रिकॉर्ड करते थे, तो यार होता ही नहीं था। उसके बाद जो है हमने बहुत सर्च किया तो जाकर हमें मिला कि यार हाँ यहाँ से जो है हमें कुछ सेटिंग जो है अपने मोबाइल में करना होता है जिससे यह माइक सपोर्ट करने लगता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक माइक परचेस किए हैं और आप वीडियो बनाना चाहते हैं और जब आप वीडियो बनाने बैठते हैं तो यार आपका माइक जो है सपोर्ट ही नहीं करता है आपके मोबाइल फ़ोन में, तो यार बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और आपको टेंशन एक बात की लेना नहीं है, क्योंकि आप हमारी वीडियो में आए हैं तो सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा इसका। क्योंकि दोस्तों आप ये सोचने लगते हैं कि यार हमने इतना पैसा लगाकर जो है एक माइक परचेस किया उसके बाद जो है हमारे मोबाइल में जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो यार बिल्कुल आप घबराइए नहीं यार, हमारी वीडियो में जब आए हैं आप तो जो है आपका हेल्प भरपूर करूंगा मैं। ना सबसे पहले जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है और वहां पर आप देखेंगे एक्सेस परमिशन या फिर परमिशन लिखकर जो है आपके सेटिंग ऑप्शन में रहेगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से देख भी पा रहे होंगे कि इस सेटिंग जो है हमने ओपन कर रखा है, और वहाँ पर हम जब गए तो वहाँ पर एक परमिशन होता है माइक्रोफोन परमिशन, वहाँ पर अगर हम परमिशन नहीं देते हैं यानी कि माइक्रोफोन एक्सेस भी करके आता है और परमिशन भी करके आता है, तो यहाँ पर जो है आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमें अलाउ कर देना है, जिससे जो है जब भी हम यूज़ करेंगे अपना माइक्रोफोन चाहे वीडियो में चाहे ऑडियो में या फिर किसी ऐप में तो यार वहाँ पर जो है अलाउ हो जाता है। अगर आप ओपन कैमरा यूज करते हैं तो यार आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ओपन कैमरा जब आप यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में जब आप ओपन कैमरा वाला ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जो है आपको सारी चीज़ें उसमें अलाउ करने को मांगता है और फिर जाकर जो है आप वीडियो बनाते हैं, तो ओपन कैमरा में आपको परमिशन मांगता है माइक्रोफोन का और वीडियो फोटोज़ का, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से भी नहीं चलता है तो आपको ओपन कैमरा यूज़ कर रहा है आप डाउनलोड कर लें ओपन कैमरा। ओपन कैमरा ज़्यादा MB का भी नहीं होता है, आप आसानी पूर्वक जो है प्ले स्टोर पर पा सकते हैं, और फिलहाल मैं भी ओपन कैमरा ही यूज़ करता हूँ। इस जब ओपन कैमरा यूज़ करेंगे तो आपको यह परेशानियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। यह छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने में यार कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपका 1 सेकंड लगता है, और जब आप सब्सक्राइब करते हो यार बड़ा खुशी होता है और तब काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स आप हमें इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।